साथियों, आज इस विषय पर बात कर रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियर, ज्योतिबा फूले, जो भी इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा काम किया, ये लोग क्या भाजपा आरएसएस के आदर्श हो सकते हैं? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बड़ा कन्फ्यूजन है इस बारे में। महात्मा गांधी भी उसी के साथ में शामिल हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। साथियों, भगत सिंह के जो विचार हैं वो क्रांतिकारी विचार हैं। क्रांतिकारी विचार में मजदूर और किसान के विचार हैं। मजदूर किसान के विचार भाजपा आरएसएस पूंजीपतियों की पार्टी है, तो भाजपा आरएसएस जब भी मजदूर के विचार ताकतवर होते हैं तो पूंजीपतियों को बड़ा कष्ट होता है, पूंजीवादी पूरी व्यवस्था को कष्ट होता है। इसलिए भगत सिंह की जो विचारधारा है वो भाजपा आरएसएस की विचारधारा कभी नहीं हो सकती। इसको अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए भगत सिंह की जो 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 विचारधारा है उसको भाजपा आरएसएस भगत सिंह को कहीं अभी अपना आइकॉन नहीं मानता। भगत सिंह को जो है उस तरीके से, जिस तरीके से वो दूसरे लोगों की बात करते हैं, उनके जो आरएसएस के लोग हैं उनकी बात करते हैं, उस तरीके से भगत सिंह की बात नहीं करते हैं। भगत सिंह को आज भी उसके रिकॉर्ड में शहीद का दर्जा नहीं है। भगत सिंह आज भी जो है आतंकवादी के रूप में है। भगत सिंह की जो विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा है, वो भाजपा आरएसएस की विचारधारा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर वर्ग संघर्ष है। ये मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग, मजदूर किसान की विचारधारा है, दूसरी भाजपा आरएसएस की पूंजीपतियों की विचारधारा, ये दोनों एक नहीं हो सकते। जैसे पूंजीवादी विचारधारा जनता को लूट करके पूंजीपतियों के खजाने भरती है, उसी तरीके से समाजवादी विचारधारा पूंजीपतियों को जो मुनाफे हैं उसको रोकती है और उसको मुनाफों को समाज में बांटती है। उनका विचारधारा का फर्क यही है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सारी जो समाज का जो 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 जो, जो उत्पादन है उसको पूंजीपतियों को देते हैं और पूंजीपति उस उत्पादन से जो मुनाफा कमाते हैं वो अब पूंजीपतियों के जेब में जाता है। समाजवादी या क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो कहते हैं उसका, वो ये कहते हैं कि जो भी उत्पादन के संसाधन है उसमें समाज का, सरकार का उसमें वो कब्जा होना चाहिए और जो मुनाफा होता है वो सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए और इस मुनाफे से फिर जन कल्याण की और समाज की योजना होना चाहिए। तो ये दोनों की विचारधारा का ये फर्क है और इसी फर्क से दोनों विचारधाराओं में हमेशा टकराव होता है। तो भगत सिंह का जो शख्सियत है क्रांतिकारी, ये जो है भाजपा आरएसएस के, कभी भी भाजपा आरएसएस इनको आदर्श नहीं मान सकता, इसको समझना है। अब अंबेडकर के जो विचार हैं वो आरएसएस के विचार के साथ मैच नहीं होते, क्योंकि आरएसएस जो है मनुस्मृति को मानती है। जो राजा मनु ने जो जातिवादी जो व्यवस्था बनाई है जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है, दलितों की तो पूरा जिंदगी कोई जो शूद्र कहे गए उसमें, उनका तो कोई जिंदगी कुछ है ही नहीं है। उनका जिंदगी तो दूसरों के लिए है, उनकी महिलाओं का जिंदगी दूसरों के लिए है, कोई कुछ भी नहीं, वो इंसान ही नहीं है। तो इस व्यवस्था में जो को जो है आरएसएस मानता है, आरएसएस आज भी मनुवादी विचारधारा को लागू करना चाहता है। तो आरएसएस और अंबेडकर दोनों का जो फर्क है कि अंबेडकर जो है उस विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, तो जो दलित हैं, जो खासतौर से दलितों का जो राजनीति के खिलाफ भाजपा आरएसएस का राजनीति है। इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा आरएसएस अंबेडकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप आरएसएस के लोगों को नहीं देखोगे। आप पीछे से आरएसएस के लोग कभी अंबेडकर जयंती नहीं मनाते। भाजपा के लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है ये दिखावा करते हैं। भाजपा की पूरी राजनीति, आरएसएस की पूरी राजनीति अंबेडकर की जो विचारधारा है उसके खिलाफ है। ये दोनों मैच नहीं हो सकते। अंबेडकर पूरी जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। धर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा था, धर्म के नाम पे जो अत्याचार हो रहा था, उसका भी उन्होंने विरोध किया, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये जो है अंबेडकर और भाजपा आरएसएस की विचारधारा दोनों अलग हैं, इसलिए इस विचारधारा में दोनों में एक नहीं हो सकता है, ये सबको समझना है। दूसरी जो तीसरी जो पेरियर थे, इनको जो जो भी ये इन्होंने जो है जो ज्योतिबा फूले थी, तो ये फूले जी थे, ये सब लोग जो थे इन्होंने जो है गरीब, मजदूर, दलित उसको जागृत करने का कोशिश किया, शिक्षित करने का कोशिश किया। और जो शिक्षा वाला काम है उससे उसको ये भी समझना है कि भाजपा आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें मजदूर वर्ग को शिक्षित नहीं करना है,
उनका समझ है कि अगर ये शिक्षित हो जाएगा तो फिर ये लड़ने लगेगा, ये अंधविश्वास को नहीं मानेगा, ये समझने लगेगा। इसलिए बड़े वर्ग को अशिक्षित बना के रखना है, अशिक्षित बना के उनका शोषण करना, ये इनकी एक राजनीति का हिस्सा है। इसलिए वो सारे लोग जिन्होंने समाज में गरीब और दलित और जो 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 असहाय लोग हैं उनको पढ़ाना लिखाना शिक्षित करने का एजेंडा चलाया, वो भाजपा आरएसएस के आदर्श नहीं है। ये है विचारधारा, इसको समझने की जरूरत है। वो भाजपा आरएसएस के जो है आदर्श नहीं है, ना वो हो सकते हैं। महात्मा गांधी को इन्होंने हाईजेक कर लिया। अभी महात्मा गांधी के नाम पे केवल भाजपा आरएसएस के लोग एक ही अभियान चल रहे हैं, वो स्वच्छता का अभियान, एक ही अभियान चला रहे हैं, दूसरा और कोई अभियान नहीं चला रहे। तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा है वो ये सच है कि पूंजीवादी जो खेमा था उसके वो नेता थे, मगर वो बीच में उन्होंने जो है जो धार्मिक तरीके से वो ये बहुत समय तक जो है वो इस विचारधारा में से भी सहमत थे। जो दलितों का जो अत्याचार है उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया, और बहुत सारे जो है जगह जो है अंबेडकर को भी समर्थन किया। गांधी की जो विचारधारा थी उसमें कहीं ना कहीं से सर्वधर्म वाली विचारधारा थी। इसीलिए गांधी इस विचार में भाजपा आरएसएस के आइकॉन कभी नहीं हो सकते। इसलिए वो गांधी को जो का जो जो मानने वाला गोडसे था, गोडसे को आदर्श मानते हैं, गोडसे को आदर्श मानते हैं, क्योंकि गोडसे ने गांधी को मारा तो उनको लगा ये सही हो गया, अब कम से कम ये मर गया जो सबकी बात कर रहा था, तो अब हिंदू राज बनाने में हमें हो सकता आसानी हो जाए, जरूरत है। मेरा एक निवेदन और भी है कि राजनीति को सारे नौजवान समझें, आज की तारीख में आंख बंद करके कोई कुछ भी ना सोचे। अगर ये आप समझ जाओगे कि क्रांतिकारियों को भाजपा आरएसएस नहीं मानती, जो जितने भी शिक्षा के जो भी गरीब दबे कुचलों के जो आदर्श है उनको नहीं मानती, तो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानती, हमको ये समझने की जरूरत है कि ये विचारधारा हमारे देश के लिए सही नहीं है, हमारे देश की उन्नति के लिए सही नहीं है। अगर ये समझो देश के अंदर जो अभी माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं से पूरी जगह देश में एक अराजकता का माहौल बन रहा है, दूसरी तरफ से भाजपा आरएसएस कैसे भी करके हर राज्यों में पैसे की दम पे लड़ाई पे दंगे फसाद करा के चुनाव जीत रहे हैं, टारगेट करके चुनाव, उनको कब्जा करना है पूरे देश पे, वो कब्जा की राजनीति चल रही है। दूसरी तरफ से वो डरा रहे हैं कि जो हमारे बीच में आएगा उसकी उसके बुरे हालत हो जाएंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको हम जो है देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, वो जो भी जरा सी भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते तो सीधे पाकिस्तान जाओ, मजदूरों की गरीबों की बात करते हो तो गालियां बस देने लगते हैं तुरंत। तो ये समझ की जरूरत है कि ये देश के अंदर एक तरीके से कब्जा हो रहा। इसी के साथ में आप देखो पूरे देश को पूंजीपतियों के हवाले करने के काम शुरू हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको पूरे देश की राजनीति को समझना है, देश की जनता को समझना है कि अभी देश की जो है 60 पूरा 100% में से तुम 50 से 60% जो है संसाधन, 50 से 60% संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले कर दी गई है, देशी विदेशी पूंजीपतियों की। अब देखो राष्ट्रभक्ति देख लो, आज की तारीख में जो ये निवेश के नाम पे हो रहा है, जो निजीकरण के नाम पे हो रहा है, जो दुनिया की आर्थिक नीतियां को, इनका एजेंडा ये है कि देश के अंदर सरकार के पास कुछ नहीं होना है, सरकार का काम सिर्फ जो है वित्त मंत्रालय चलाना है, टैक्स लगाने का काम है और सेना का काम है, बाकी सब संसाधन पूंजीपतियों को देना है, सब पे पूंजीपतियों का कब्जा होना है। आप देख रहे हैं अभी सारा आपका जो है बैंक बीमा यहाँ तक कि डिफेंस, डिफेंस भी जो है सेना का जो है सभी वो सरकार कुछ नहीं करना है, तेल सब कुछ अभी बेचने के लिए थे, 100% FDI, 100% बेचो, हमारे देश के पूंजीपति खरीदेंगे और दुनिया के कोई भी पूंजीपति, दुनिया के लिए खुल कोई भी खरीदो, समझ लो इस बात को कि देश के सारे संसाधन आज रेलवे रेलवे पूरी तरीके से बेचने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि अगर सरकार चला रही तो उसको मुनाफे की जरूरत नहीं है, वो सेवा के लिए चला रही है, मुनाफा होगा तो देश की जो है देश के खजाने में आएगा, जो जो जनता के लिए उपयोगी होगा, जो बाकी ये सब चीजें पूंजीपतियों के हवाले करे दे रहे देशी विदेशी, तो इसका जो मुनाफा होगा वो तो पूंजीपतियों के जेब में जाएगा, जो जो मुनाफा, और इनको तो देश की जनता से कोई प्यार मोहब्बत थोड़ी है, वो तो धंधा करने आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, अगर उनको पैसा का फायदा नहीं हुआ तो वो उसको महंगा करेंगे। अब आपकी पहुंच में हो या नहीं हो वो आप जानो, इसीलिए किराया बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स महंगे हो गए हैं,
अभी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो बात हो रही है, पूरी व्यवस्था को इंश्योरेंस की तरफ कर रहे हैं, तो ये सब इंश्योरेंस कंपनियों के मुनाफे उसमें बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी आज की तारीख में दुनिया की कंपनी आ गई है यहाँ पे। पूरी व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ की चोरी पूरी व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ में डाल रहे हैं। तो ये तो इससे कुछ है, इंश्योरेंस से व्यवस्था महंगी होने वाली है, सस्ती नहीं होने वाली है। अभी मिनिमम बैलेंस के नाम पे ले रहे हैं, कभी ट्रांजेक्शन के नाम पे ले रहे हैं, कभी आप पैसा रखने के नाम पे ले रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये अलग अलग तरीके से लूट रही है पूरे बीमा सेक्टर को। जो है दूर संचार विभाग का देखो, हमारा जो दूर संचार विभाग है BSNL, उसको जो है हमारे देश के अभी 4G चालू नहीं हुआ उसमें, और बाकी का 5G शुरू होने वाला है। तो ये सारे चीज को फिर इसको बेच के पूरा करना, सारे हमारे स्टील कारखाने बेच दिए, कोयला की खदानी बेच दी, क्या बचेगा सरकार के पास? बिजली पूरी निजीकरण में जा रही है, पूंजीपतियों के बारे संसा परिवहन पूरा निजीकरण में जा रहा है। सरकार क्या करेगी? देश वापस गुलामी की तरफ जा रहा है, पूरी तरीके से आर्थिक रूप से पूंजीपतियों के कब्जे में जा रहा है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, दंगे फसाद की राजनीति चल रही है, उसी में इतिहास को बदलने की राजनीति चल रही है। ऐसे ऐसे बहस हो रहे हैं, पूरी मीडिया मैनेज है। तो ये सारा चीज समझने की आवश्यकता है साथियों। देश की अभी बहुत ही विकट स्थिति है, ये स्थिति जिस तरीके से चल रही है विश्व पक्का है, 100% है कि देश हमारा खतरे में होना है, देश हमारा की संप्रभुता खत्म होनी है, और हमारे देश का जो माहौल है, देश की शांति है, वो खतरे में होनी है, अराजकता दशा दुर्दशा बढ़नी है, ये बिल्कुल पक्का है अगर इस राजनीति को, गलत राजनीति को नहीं रोका गया तो। ये सच्चाई है, इसको समझे बिना आगे कुछ होगा नहीं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है इस बात को समझें, और जो हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट है www.leftfront.in। इस वेबसाइट में बहुत सारे आर्टिकल हैं उनको पढ़ें, बहुत सारे चैनल पे वीडियो हैं उनको पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि भाजपा RSS की राजनीति क्या है, और देश को बचाने के लिए सिर्फ वामपंथी और लेफ्ट पार्टियां हैं जो देश के भले के लिए, देश के उन्नति के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, आम जनता के हक व अधिकार को बचाने के लिए वामपंथी ताकतें, वामपंथी राजनीतिक विचारधारा, भगत सिंह, लेनिन और मार्क्स की विचारधारा वही है जो हमारे देश को बचा सकती है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।